एटा की सड़कों पर एक ऐसे भिखारी को देखा गया है जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, जो एक बैंक मैनेजर भी रह चुका है। आखिर एक बैंक मैनेजर भिखारी कैसे बना, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात के रहने वाले हैं ये दिनेश पाटिल। ये गुजरात से यूपी के एटा कैसे पहुंचे उन्हें भी नहीं मालूम, लेकिन दिनेश कई महीनों से यहाँ भिखारी बनकर शहर में घूमते रहते थे। वे दिन भर भीख मांगते थे और फिर रात में बस स्टैंड पर सो जाते थे। यदि उनसे कोई बात करता तो वो उस व्यक्ति से फर्राटेदार इंग्लिश में बात करने लगते थे। ये देख हर कोई चौंक जाता था। फर्राटेदार अंग्रेजी बोले इस भिखारी पर जब कुछ मीडिया कर्मियों की नजर पड़ी तो उनमें इस भिखारी के बारे में जानने की इच्छा जागी। मीडिया कर्मियों ने दिनेश पटेल से जब उनके परिवार के बारे में जानकारी लेनी चाही तो वह अपने परिवार के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सके, जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने पुलिस को दिनेश पटेल के बारे में जानकारी दी तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस दिनेश पटेल के बारे में जानकारी निकालने में लग गई। पुलिस ने जानकारी खंगाली तो पुलिस को पता चला कि दिनेश पटेल गुजरात के रहने वाले हैं और वो 2009 में जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर होने की वजह से वे यूपी के एटा पहुँच गए। ये 2 जुलाई को एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली कि वो रोडवेज बस स्टैंड पर घूम रहे हैं। फिर उनसे सामान्य पुलिस द्वारा बातचीत की गई और वो उनका एड्रेस जो है गुजरात का वेरीफाई हुआ है और उनके परिजनों से कई माध्यमों से संपर्क करने के बाद संपर्क हो पाया है और उसके परिजन अब आ रहे हैं उनको लेने के लिए। पुलिस ने बताया कि दिनेश पटेल के परिवार को सूचना दे दी गई है। उनका परिवार जल्द ही यूपी के एटा पहुंच जाएगा और दिनेश पटेल को अपने साथ ले जाएगा। एटा से न्यूज़ ऑफ इंडिया के लिए मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।